Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and this is the another session on area under the curve. And in this session we will discuss about the area enclosed by the different region. So pichle sari lecture aapne dekh liye honge aur aapko bahut kuch samajh aa gaya hoga. Ab hum question jo discuss kar rahe hain wo sare competition ke question hai. So aaiye aaj kuch questions discuss karte hain jo pehle competitive exam mein puche gaye hain या उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लेना चाहते हैं वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द रीजन, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड इंक्लोज्ड बाय द रीजन y is equal to tan x, और x जो है वो कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री तक, x माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री तक ये. और दूसरा जो है वो है y is equal to cot x, और इसकी रेंज दी गई है कि ये पाई बाई सिक्स से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक है, एंड x एक्सिस के बीच का एरिया, यानी तीनों कर्व से जो कंबाइंड एरिया होगा, जो एरिया होगा उसको हमें क्या करना है, निकालना है. तो अब इसमें कौन सा एरिया होगा, एक तो टैन एक्स का ग्राफ हमें प्लॉट करना होगा, कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा, और दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस का, यानी वाई इज इक्वल टू जीरो. तो वाई इज इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ तो आपको पता होगा कैसे होता है ना, पता है ना? y is equal to tan x का ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करते हैं. तो आइए अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और ग्राफ जो होगा y is equal to tan x का ये ग्राफ होता है जो जीरो से होकर के निकलता है और पाई बाई टू पे जाकर के लगता है कि इंफिनिटी को मिलेगा. और इसी तरह से ये जो कर्व होता है y is equal to cot x का, वो इसको यहाँ जीरो पे डिफाइन नहीं होता, ये लगेगा इंफिनिटी पे, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा पाई बाई फोर पे होगा. तो ये जो टैन एक्स का ग्राफ है इसको अगर हम जीरो से पाई बाई फोर तक निकालें तो एक्स एक्सिस साथ ये एरिया निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और पाई बाई फोर से अगर हम पाई बाई टू तक कॉट एक्स का ग्राफ निकालें तो ये एरिया निकल जाएगा. इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द सेंटर रीजन, और यहाँ पे कॉट एक्स का ग्राफ जो होगा वो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, ये यहाँ पे टैन है ही नहीं, टैन का जो रेंज दिया हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था, क्योंकि तीनों कर्व से कंक्लोज्ड एरिया चाहिए था. तो टैन एक्स का जो रेंज था वो था कहां से कहां तक, ये था माइनस पाई बाई थ्री से, यानी यहां से माइनस पाई बाई थ्री कहीं यहां होगा, यहां से और प्लस पाई बाई थ्री तक ही, प्लस पाई बाई थ्री कहीं यहां तक होगा, ठीक है, लेकिन यहां तक सिर्फ कर्व है टैन का. तो इसके बीच का एरिया हमें निकालना था माइनस पाई बाई थ्री से प्लस पाई बाई थ्री तक, और यहां से पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री तक हमें निकाल सकते थे कि एरिया जो है वो इनके बीच का इनक्लोज्ड एरिया, इनके इनके और इनके बीच का एरिया यही होगा. तो इसका मतलब ये है कि टैन एक्स और इसके बीच का, जीरो से एक्स एक्सिस और टैन एक्स के बीच का, और एक्स एक्सिस और कॉट एक्स के बीच का एरिया हमें निकालना है, ये चीज हो गई. तो जीरो से पाई बाई फोर तक एक्स एक्सिस के बीच में ये एरिया इंक्लोज हो रहा है टैन एक्स के अलावा, टैन एक्स के कर्व की वजह से, और फिर यहाँ से पाई बाई फोर से लेकर के पाई बाई टू तक ये एरिया इंक्लोज हो रहा है कॉट वाले कर्व के अलावा. तो हमें दोनों के वाई लिखना होगा, एक टैन के अलांग एक कॉट के अलांग. ये जो एरिया है ये है टैन के अलांग जीरो से पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर से पाई बाई टू के जो है वो इंक्लोज्ड हो रही है. यहाँ पे एरिया इंक्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे एक्स एक्सिस के बीच में इस कर्व से एरिया इंक्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ये इंफिनिटी पे जाकर मिलता है. इसलिए एरिया निकालना जो होगा वो उसको हम लिखेंगे एरिया इंक्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इंक्लोज्ड इज 0 टू पाई बाई 4 tan x dx, y की वैल्यू tan x, और प्लस पाई बाई फोर से पाई बाई टू कॉट एक्स डी एक्स, ये हमें निकालना है.
सो व्हाट विल हैपन, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई फोर तक, और इसका लॉग साइन एक्स कहां से कहां तक, तो पाई बाई फोर से लेकर के कहां तक, पाई बाई टू तक। तो जब पहले पाई बाई फोर रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ साइन सेक पाई बाई फोर का मतलब रूट टू माइनस सेक जीरो का मतलब लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, प्लस यहाँ पे पाई बाई टू साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस लॉग साइन पाई बाई टू फोर का मतलब वन बाई रूट टू, ठीक है ये होगा। तो ऐसा करने से मिल जाएगा हमको ये लॉग रूट टू माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, पावर टू का पावर ऊपर जाके माइनस हाफ होगा, और माइनस हाफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ लॉग टू रह जाएगा। यहाँ पे भी हाफ लॉग टू है, दिस इज ऑल्सो हाफ लॉग टू प्लस हाफ लॉग टू, हाफ लॉग टू प्लस हाफ लॉग टू इज इक्वल टू लॉग टू, आंसर ये आंसर है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, बाय द कर्व y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x axis between ordinates x is equal to 0 and x is equal to 3, ordinates of x is equal to 0 and x is equal to 3, तो इसके बीच का हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले आप कर्व की एनालिसिस करते हैं, सॉल्यूशन के लिए आपको कर्व को एनालिसिस करना पड़ेगा। y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, एक तो पता चल रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में आप कर्व का नेचर कैसा होगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, y is equal to 0 पुट करते हैं y is equal to 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 और 3, यानी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r, इंटरसेक्शन विथ x एक्सेस r क्या क्या होंगे, 1, 0, 2, 0 एंड 3, 0। अब ये 1, 2, 3 तीन जगह पे एक आइडिया ले लें कि यहां से कर्व या तो ऐसे होगा, इस तरह से हो रहा होगा कि एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे कट कर रहा होगा कर्व, या फिर हो सकता है कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कर्व कैसा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 1, 2, 3 ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3 हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि तीन जगह पे कट कर रहा हो, 1, 2, 3 पे कट कर रहा है, ये बात तो पता चल गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसा होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ये ऐसे ऐसे और ऐसे, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये नेचर पता करने के लिए हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मदद लेनी पड़ेगी कि किस रीजन में इंक्रीजिंग है और किस रीजन में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप कर्व को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो डीवाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1, x माइनस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 1, फिर x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो भी क्या होगा, एक मिनट आ जाओ, x माइनस 3 इधर की ओर, ठीक है। सो अब इनको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप चाहे तो इसको जीरो पुट करेंगे ना, इसको जीरो पुट, हेलो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, या फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से मिल जाएगा आपको
क्या क्या मिलेगा यहाँ से, ये x माइनस, इसको आप सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कुल मिलके 3x स्क्वायर, ये डिवाइड बाई dx जो है वो इतना आएगा 3x स्क्वायर एंड 4 प्लस 5 9, 3 12 12x और 6 प्लस 3 9 2 11, ये हो गया 11 इज इक्वल टू 0। सो फॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 अगर करें तो क्या मिलेगा, dy बाई dx 0 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इससे x की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, तो इसे अब इसको मिडिल टर्म इसका स्प्लिट तो हो नहीं रहा, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्या है, किस तरह का कर्व होगा यहाँ पे। अगर मैं 3x स्क्वायर या 3 कॉमन ले लूँ इसमें से तो ये मिल रहा है कुछ इस तरह का, ध्यान से देखिए 3 कॉमन ले लिया जाए इसमें से तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 अगर मैं कर लूँ इसमें तो ये हो जाएगा माइनस 12 हो गया, ये 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यानी 3 4 जो 12 हमने प्लस किया है तो 12 माइनस करेंगे, 11 में से 12 माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 बाई 3, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1 बाई 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू के हिसाब से हमें पता चलेगा कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तो तरीका ये है कि हम नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करें और उसके बाद हम देखें कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और एक वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा। तो इसका मतलब कि ये इंटरमीडिएट थ्योरम से पता चलेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, इन दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक इसका रूट मिलता है, डेरिवेटिव का एक रूट दो रूट के बीच में मिलता है। तो ये 2 प्लस 1 बाई रूट 3 2 और 3 के बीच में है और ये 1 और 2 के बीच में 2 माइनस 1 बाई रूट 3। सबसे राइट में हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब इधर में एक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। सो इधर में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इधर में इंक्रीजिंग है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या है उसके पहले फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। इस तरह से इस कर्व को अगर हम प्लॉट करें तो क्या क्या मिलेगा, जो कर्व होगा वो 1 2 और 3 पे जो इंक्रीजिंग होगा, इधर इंक्रीजिंग है तो 2 के बाद जो कर्व होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो फिर से इस बात को हम दोबारा लिखें कि ये 2 माइनस 1 बाई रूट 3 है और ये 2 प्लस 1 बाई रूट 3 है और इधर में इंक्रीजिंग है और इधर में इंक्रीजिंग है और यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है और यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये जो अगेन इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि आगे डिक्रीजिंग है तो ये हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ से ऐसे आ रहा होगा कर्व, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, कुछ इस तरह का होगा कि ताकि वहां से ये इधर इंक्रीजिंग भी हो जाए और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा वाली बात भी हो जाए। कर्व कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ये बढ़ रहा होगा ताकि इधर में इंक्रीजिंग, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, लाइक दिस। तो इस तरह का कर्व हो रहा होगा, एक आइडिया लग गया। तो आइए कर्व प्लॉट कर लेते हैं फिर एरिया निकालते हैं। तो कर्व जो होगा वो कैसा होगा, तो कर्व जो होगा वो ऐसा, ठीक है, कर्व जो होगा वो ऐसा होगा, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया,
ये हो गया वन, ये जीरो ओरिजिन, क्योंकि इधर में वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव। आप देखिए कि जीरो पे वैल्यू रखने से जीरो क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो कर्व है इसमें जीरो रखने से ये सारी चीजें क्या मिल रही है, निगेटिव -6। तो एक्स जीरो रखने पे वाई क्या मिल रहा है, -6। तो ये कट कर रहा होगा यहाँ पे जीरो कॉमा -6 पे, ठीक है, एक्स जीरो वाई सिक्स, वन रखने पे जीरो, टू रखने पे जीरो, और ये जो पॉइंट है उनके बीच का। अब एक्स जीरो ये है और एक्स थ्री ये है, एक्स थ्री ये है, हमें इनके बीच का एरिया निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है ये एरिया जीरो से वन के बीच का, वन से टू के बीच का फिर ये एरिया निकालना है, ये एरिया, और टू से थ्री के बीच का हमें ये एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो हमें तीन एरिया निकालना है, यानी इस एरिया का नाम अगर मैं दे दूं, इस एरिया का नाम A1, A1, इसका नाम दे दूं A2, और इसका नाम दे दूं A3, तो हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 निकालना है। लेकिन एक बात बताई थी पिछली क्लास में, आपको ध्यान होगा कि जब एक्स एक्सिस के नीचे का कोई एरिया होता है, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया निकालता है, तो हम वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस में, ठीक है ना, वाई की वैल्यू ले लेते हैं माइनस में। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। तो एरिया जब निकालना होगा तो हम क्या ले लेंगे, माइनस। सो एरिया विल बी कैलकुलेटेड लाइक एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 0 to 1 माइनस वाई डी एक्स प्लस 1 से 2 वाई डी एक्स प्लस 2 से 3 माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो यही है, वाई है क्या, ये वाई है हमारा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई हमारा क्या था, ध्यान से देखिए वाई है हमारा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये बेसिकली है क्या, ये है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये a हमें रखना है, यानी माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर लिख दिया, प्लस 11x माइनस 6, ये इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, प्लस फिर हमें इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक, यही चीज एक्स क्यूब सेम, y की वैल्यू तो सेम है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx, और फिर यही चीज हमें दोबारा फिर माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, 2 से 3 एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से देखिए माइनस एक्स 4/4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, कहां से कहां तक जी, 0 से 1 तक, प्लस फिर यही सारा चीज मिलेगा दोबारा, एक्स 4/4 माइनस 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, कहां से कहां तक, तो 1 से 2 तक ये मिलेगा, और फिर यही सारा चीज मिलेगा 2 से 3 तक, यानी माइनस एक्स 4/4 माइनस 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, कहां से कहां तक, तो ये मिलेगा 2 से 3 तक, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा लेंदी वर्क जरूर है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 11/4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू पहले 1 रखना है, 0 रखना है, फिर पहले 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर -2 रखना है, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो इस बात को अब लाइए, एक अलग क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is this? Find the area
enclosed by the curve y is equal to tan x, and x-axis with the tangent to the curve at x equal to pi by 4. Okay. Y is equal to tan x and x is equal to pi by 4 का tangent होगा. तो x is equal to जब pi by 4 होगा तो y क्या होगा? पहले तो ये सब हम analysis करने का रखा. Solution के लिए सबसे पहले देखेंगे when x is equal to pi by 4 तो y क्या होगा? तो y क्या होगा? y होगा. यानी जो पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी पाई बाई 4 कॉमा 1. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले किसी भी कर्व का आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू tan x लिखते हैं और dy बाई dx निकालते हैं, यानी स्लोप निकालते हैं. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. अब m इज इक्वल टू स्लोप एंड स्लोप इज dy बाई dx एट pi by 4 comma 1. Pi by 4 comma 1. That will be what? Ab x pi by 4 rakhenge, ye ho jayega root 2 ka square, that is 2. So slope ho gaya 2. Isliye equation of tangent jo nikalenge, wo kya hoga? So therefore, equation of tangent, at pi by 4 comma 1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1 होता है, यानी y minus 1 is equal to m की वैल्यू क्या आ गई है, m की वैल्यू आ गई है कितनी, m आया हमारा, ये स्लोप हमने निकाला है 2 आया, तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये आ गया 2 into x minus x1 कितना है, pi by 4, यानी ये हो गया y is equal 2x minus pi by 2 और ये minus 1 इधर आके plus 1 होगा, ठीक है? तो ये हो गया एक लाइन का इक्वेशन. अब सवाल है कि कर्व कैसा होगा? तो y is equal to tan x का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो ये देखिए कि y is equal to tan x कैसा होगा. तो ये tan x का ग्राफ होता है ना, इस तरह का, और इस पे ये जो होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा. तो ये tan x, ये कुछ इस तरह का होगा, y is equal to tan x का, ये है 0, right? और ये है pi by 2, और ये है क्या, तो y axis, और ये क्या है, x axis, और ये है minus pi by 2, और ये x dash, इधर की तरफ, तो क्या मिलेगा? अब अगर बात करें, तो ये pi by 4 यहाँ कहीं होगा, pi by 4, x pi by 4 y 1, तो यहाँ पे ये tangent जो होगा, वो कुछ इस तरह का line होगा. तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो गया x equal to pi by 4 पे, इसका इक्वेशन ये हो गया. हमको एरिया जो निकालना है वो इनके और इनके बीच का, ये पूरा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, यानी लाइन और कौन सा, ये टेंजेंट और फिर कौन सा, ये कर्व, ये कर्व, ठीक है, इनके बीच का ये येलो वाला एरिया हमें निकालना है. तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पाई बाई 4 है, ये पूरा का पूरा क्या है, पाई बाई 4. तो 0 से पाई बाई 4 तक टैन का एरिया निकालें, उसमें से ये लाइन कहाँ कट कर रहा है, तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ कट कर रहा है, ताकि ये एरिया इसके बीच का माइनस किया जा सके जो ब्लैंक दिख रहा है. तो y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, व्हेन y इज इक्वल टू 0, लाइन में y 0 कब होगा, जब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 2, और x is equal to 1 by 2 minus pi by 4, ये पॉइंट होगा. तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा क्या, यही पॉइंट जो होगा वो होगा 1 by 2 comma minus pi by 4 comma 0. तो यहाँ से ये पॉइंट हमें चाहिए. Therefore area of the shaded region is equal to what will be that, area of shaded region is equal to 0 to pi by 4, ये होगा 0 to pi by 4
y dx मतलब tan x dx एंड माइनस कहां से कहां तक माइनस लाइन का ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 4 से कहां तक तो यहां से लेकर के और x की वैल्यू यहां पाई बाय 4 तक पाई बाय 4 तक y dx y का मतलब क्या है लाइन के अलोंग y का मतलब है लाइन के अलोंग 2x माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 2x माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 2x माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 dx ये होगा। अब इसका एरिया ये निकालना है, यही हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये क्या हो गया, tan x का इंटीग्रेशन हो गया log माइनस log cos x, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 4 तक, ठीक है। अच्छा फिर माइनस यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 यानी x स्क्वायर, यहाँ पे पाई बाय 2 और 1 माइनस प्लस 1 माइनस पाई बाय 2 सिंपली लिख देता हूँ, कांस्टेंट का तो x ही होता है, तो ये हो गया 1 माइनस पाई बाय 2 इनटू x और कहाँ से कहाँ तक तो ये 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 4 तक ये हुआ। अब इसको जरा कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स का मतलब 1 बाय रूट 2, तो चाहे तो आप इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस ना लिखना चाहे तो ये हो गया लॉग सेक एक्स, ठीक है। लॉग सेक एक्स कहां से कहां तक, 0 से और पाई बाई 4 तक, तो ये हो गया पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा आप बताइए, लॉग सेक एक्स का मतलब क्या हो गया लॉग सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 क्या होगा रूट 2, तो लॉग रूट 2 माइनस सेक 0 क्या होगा 1 और लॉग 1 क्या होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रख दिया प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 4 क्या मिलेगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 pi by 4 minus 1 by 2 minus pi by 4, so that will be plus pi by 4, तो ये पूरा का पूरा चीज आ गया। आप इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मिल जाएगा 2 का मतलब पावर 1 by 2, root 2 का मतलब, इसलिए 1 by 2 log 2 ये हो गया 1 by 2 log 2 और यहाँ पे a square minus b square एक बार a plus b और एक बार a minus b ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। pi by 4 प्लस वाला कर लिया हिसाब तब, अब माइनस वाला करेंगे तो ये हो गया पाई बाई और यहाँ से मिल गया प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 और ये हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस हाफ, पाई बाई 2 माइनस हाफ ये मिल गया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अब इसको जरा कैलकुलेट करूँ तो ये मिल जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा 1 by 2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे pi by 4 plus pi by 4 pi by 2 हो जाएगा, तो pi by 2 minus half right और plus ये क्या हो गया, तो ये 1 से multiply करें तो 1 मतलब ये multiply करने पे क्या होगा pi by 2 minus half, इसमें भी है तो common लिया जा सकता है 1 minus pi by 2 into pi by 2 minus half, तो अब हम अगर पाई बाई 2 माइनस हाफ कॉमन ले लें ये हो गया 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस हाफ अगर कॉमन ले लिया जाए दोनों में से तो यहां से मिल जाएगा 1 बाई 2 और यहां से 1 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस यहां से मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस हाफ इंटू 3 बाई 2 माइनस पाई बाई, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये मिल गया 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस क्या पाई बाई 2 इंटू 3 3 पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो अब कुल मिला के आ गया आंसर आपका 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 3
3 pi by 4 plus pi by 4. H4 pi by 4, that is pi. Pi minus pi square by 4 minus 3 by 4. ये आ गया पूरा का पूरा आंसर. इसमें 4 pi. Pi square है, इसलिए इसमें multiply नहीं कर सकते. ये square unit answer आ गया. और इस तरह से इस question को कर सकते हैं. तो I hope कि आपको ये question समझ में आ गया होगा. और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर लिखें. वैसे दोबारा जब वीडियो चला के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ऐसी कोई बात है नहीं और बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कंसेप्चुअल था. इतना आसान सवाल आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आईआईटी में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने बताया है. और उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करने के पहले क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कर्व का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कर्व का नेचर किस तरह का होगा, ये सारी बातें आप इसमें समझ जरूर पाएंगे. सो थैंक यू. अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है और फिर बहुत कुछ नए क्वेश्चन पर बात. गॉड ब्लेस.